नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ से आगे का जो नाम है वो लिखकर बताएंगे। तो हमने ये जो न है वो इस प्रकार से बना दिया है और आगे जो राम बना के बताएंगे, तो भगवान राम हमारा जो नाम था उसको पूरा करेंगे। तो शुरुआत से क्या करेंगे, तीन रस्सी उठाएंगे, फिर तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, यहाँ पे वापस तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे पांच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर पांच रस्सी दबाकर पांच रस्सी उठाएंगे। अब यहाँ पे पांच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे और यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर वापस तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे। अब यहाँ पे पांच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर पांच रस्सी दबाकर पांच रस्सी उठाएंगे और लास्ट में ये जो गुंडी है इसको हम इस तरीके से लगा लेंगे इस प्रकार से। इसको लगाने के बाद में इसको टाइट कर लेंगे और फिर ये जो रस्सी है इसको हम दूसरी साइड में खींचकर दूसरी साइड की जो गुंडी है वो भी इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से। इसको लगाने के बाद में इसको टाइट कर लेंगे और अब ये जो रस्सी है इसको हम पास में चिपकाएंगे इस प्रकार से। अब शुरुआत से एक रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, सॉरी एक रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर तीन रस्सी दबाकर पांच रस्सी उठाएंगे, यहाँ पे पांच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, यहाँ पे एक रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे इस प्रकार से, फिर यहाँ पे पांच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, एक रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर पांच रस्सी उठाएंगे इस प्रकार से, फिर आगे तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे और यहाँ पे पांच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर चार रस्सी दबाकर पांच रस्सी उठाएंगे और फिर ये जो गुंडी है इसको इस प्रकार से लगा लेंगे। अब इस रस्सी को दूसरी साइड में खींचकर दूसरी साइड की जो गुंडी है उसको भी इस प्रकार से लगा लेंगे। अब रस्सी को पास में चिपकाएंगे इस तरीके से। अब शुरुआत से दो रस्सी दबाकर पांच रस्सी उठाएंगे, फिर तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, यहाँ पे एक रस्सी दबाकर नाम की नंबर की शुरुआत करेंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर पांच रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर एक रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर पांच रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे पांच रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, वापस तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर एक रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर पांच रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे और पांच रस्सी उठाकर ये जो गुंडी है इसको इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से। इसको लगाने के बाद में इसको टाइट कर लेंगे इस तरीके से और फिर ये जो रस्सी है इसको दूसरी साइड में खींच लेंगे, फिर इस साइड की ये जो गुंडी है इसको भी इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से। इसको लगाने के बाद में इसको हम टाइट कर लेंगे इस प्रकार से। अब ये रस्सी इसको पास में चिपकाएंगे और फिर आगे तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर पांच रस्सी दबाकर पांच रस्सी उठाएंगे, यहाँ पे पांच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर पांच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी उठाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे। यहाँ पे अभी देखिए ये जो र है उसको बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, यहाँ पे पांच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर दो रस्सी दबाकर पांच रस्सी उठाएंगे और फिर ये जो गुंडी है इसको इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से। इसको लगाने के बाद में रस्सी को दूसरी साइड में खींच लेंगे और दूसरी साइड में खींचने के बाद में दूसरी साइड की जो गुंडी है उसको भी इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से। इसको लगाने के बाद में ये जो रस्सी है इसको हम पास में चिपकाएंगे इस तरीके से। अब शुरुआत से एक रस्सी उठाकर एक रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर यहाँ पे तीन रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर पांच रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर पांच रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर एक रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर पांच रस्सी दबाएंगे, फिर यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर एक रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर
पाँच, तीन रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर पाँच रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर पाँच रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर एक रस्सी दबाकर ये जो पाँच रस्सी इसको उठाकर ये जो गुंडी है इसको इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से। अब रस्सी को दूसरी साइड में खींचकर दूसरी साइड की जो गुंडी है उसको इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से। इसको लगाने के बाद में अब इस रस्सी को हम पास में चिपकाएंगे इस प्रकार से, इस तरीके से। अब शुरुआत से चार रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर एक रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर पाँच रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर पाँच रस्सी दबाएंगे, फिर पाँच रस्सी उठाकर पाँच रस्सी दबाएंगे, फिर यहाँ पे पाँच रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, वापस तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, एक रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर पाँच रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर पाँच रस्सी दबाकर ये जो गुंडी है इसको इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से। इसको लगाने के बाद में इस रस्सी को हम दूसरी साइड में खींच लेंगे इस प्रकार से, और दूसरी साइड की ये जो गुंडी है इसको भी इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम ये जो रस्सी है इसको पास में चिपकाएंगे इस तरीके से। अब शुरुआत से तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, अब यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर पाँच रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर एक रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर पाँच रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, अब यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर पाँच रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर चार रस्सी दबाकर ये जो गुंडी है इसको इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से। इसको लगाने के बाद में इसको टाइट कर लेंगे और फिर ये जो रस्सी इसको दूसरी साइड में खींचकर दूसरी साइड की जो गुंडी है उसको भी इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से। इसको लगाने के बाद में इसको भी हम टाइट कर लेंगे इस तरीके से, फिर ये जो रस्सी है इसको हम पास में चिपकाएंगे। अब आगे की रस्सी चलाएंगे, तो शुरुआत से दो रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी सॉरी पाँच रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर एक रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर पाँच रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर एक रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर पाँच रस्सी दबाएंगे, फिर एक रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर पाँच रस्सी उठाकर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर ये जो गुंडी है इसको इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से। इसको लगाने के बाद में रस्सी को टाइट कर लेंगे और फिर ये जो रस्सी है इसको दूसरी साइड की जो गुंडी है वो भी लगा लेंगे और इस साइड से भी ये टाइट कर लेंगे। अब रस्सी को पास में चिपकाकर आगे की रस्सी चलाएंगे, तो अब शुरुआत से एक रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे इस तरीके से, फिर तीन रस्सी उठाकर एक रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे ये जो अक्षर है नंबर है इसकी शुरुआत करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे एक रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर एक रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर पाँच रस्सी उठाकर पाँच रस्सी दबाएंगे, फिर पाँच रस्सी उठाकर पाँच रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर पाँच रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे पाँच रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर एक रस्सी उठाकर पाँच रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर एक रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर पाँच रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर दो रस्सी दबाकर ये जो गुंडी है इसको इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से। अब इस रस्सी को दूसरी साइड की जो गुंडी है उसको भी इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से, फिर इस रस्सी को पास में चिपकाएंगे इस तरीके से इस प्रकार से, फिर शुरुआत से तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर पाँच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर एक रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर पाँच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर तीन रस्सी दबाकर एक रस्सी उठाएंगे, फिर तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, वापस तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, यहाँ पे भी तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, यहाँ पे पाँच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, एक रस्सी दबाकर ये जो गुंडी है इसको इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से।
फिर रस्सी को दूसरी साइड में खींचकर दूसरी साइड की जो गुंडी वो भी इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से। दोनों गुंडी लगाने के बाद में इसको रस्सी को टाइट कर लेंगे और फिर ये जो रस्सी है इसको पास में चिपकाएंगे इस प्रकार से। अब शुरुआत से तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, वापस पांच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर पांच रस्सी दबाकर पांच रस्सी उठाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, यहाँ पे एक रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर तीन रस्सी दबाकर पांच रस्सी उठाएंगे, फिर तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे पांच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे और लास्ट में ये जो गुंडी है इसको इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से। इसको लगाने के बाद में इसको टाइट कर लेंगे और फिर रस्सी को दूसरी साइड में खींच लेंगे इस तरीके से। अब इस साइड की ये जो गुंडी है वो भी हम इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से। अब रस्सी को पास में चिपकाएंगे इस प्रकार से। अब शुरुआत से पांच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर तीन रस्सी दबाकर एक रस्सी उठाएंगे, फिर तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, यहाँ पे पांच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर पांच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर एक रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर यहाँ पे पांच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर पांच रस्सी उठाएंगे, फिर तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, यहाँ पे एक रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, यहाँ पे पांच रस्सी दबाकर दो रस्सी उठाकर ये जो गुंडी है इसको इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से। इसको लगाने के बाद इसको टाइट कर लेंगे और फिर ये जो रस्सी है इसको दूसरी साइड में खींचकर दूसरी साइड की जो गुंडी है वो भी इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से। इसको लगाने के बाद में इसको भी टाइट कर लेंगे और इसको टाइट करने के बाद में रस्सी को पास में चिपकाएंगे इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं नीचे नौ अक्षर बन रहा है, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, सॉरी एक रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर पांच रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर एक रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर पांच रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर एक रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर पांच रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे। अब यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर तीन पांच रस्सी दबाएंगे, एक रस्सी उठाकर ये जो गुंडी है इसको इस प्रकार से लगा लेंगे, फिर रस्सी को दूसरी साइड में खींचकर दूसरी साइड की जो गुंडी है वो भी लगा लेंगे, फिर दो रस्सी उठाकर पांच रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर तीन पांच रस्सी दबाएंगे, पांच रस्सी उठाकर पांच रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर पांच रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर एक रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे पांच रस्सी उठाकर एक रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर पांच रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर पांच रस्सी दबाकर ये जो गुंडी है इसको इस प्रकार से लगा लेंगे, फिर रस्सी को दूसरी साइड में खींचकर दूसरी साइड की जो गुंडी है वो भी हम इस प्रकार से लगा लेंगे। अब रस्सी को पास में चिपकाएंगे इस प्रकार से इस तरीके से। अब शुरुआत से तीन रस्सी उठाकर पाँच रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर एक रस्सी दबाकर नौ अक्षर को पूरा कर दिया, फिर तीन रस्सी उठाकर सॉरी पांच रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर पांच रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर एक रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर पांच रस्सी दबाएंगे, फिर पांच रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर एक रस्सी दबाएंगे, फिर पांच रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर एक रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर चार रस्सी दबाकर ये जो गुंडी है इसको इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से। फिर रस्सी को दूसरी साइड में खींचकर दूसरी साइड की जो गुंडी है उसको भी इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम रस्सी को पास में चिपकाएंगे इस प्रकार से, फिर आगे की जो रस्सी उसको चलाएंगे, एक रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर पाँच रस्सी दबाकर पाँच रस्सी उठाएंगे, यहाँ पर एक रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर तीन रस्सी दबाकर एक रस्सी उठाएंगे, यहाँ पर तीन रस्सी दबाकर पाँच रस्सी उठाएंगे, फिर यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर पांच रस्सी दबाकर पांच रस्सी उठाएंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे भी पांच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे,
यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, और लास्ट में तीन रस्सी दबाकर ये जो गुंडी है इसको इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से। इसको लगाने के बाद में इसको टाइट करके रस्सी को दूसरी साइड में खींचकर दूसरी साइड की जो गुंडी वो भी इस प्रकार से लगा लेंगे। अब हम रस्सी को पास में चिपकाएंगे इस प्रकार से, और इसको पास में चिपकाने के बाद रस्सी आगे की रस्सी चलाएंगे। शुरुआत में दो रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर पाँच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, यहाँ पे पाँच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, अब यहाँ पे एक रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर पाँच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, अब यहाँ पे एक रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर पाँच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, एक रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर पाँच रस्सी दबाकर एक रस्सी उठाएंगे, फिर तीन रस्सी दबाकर पाँच रस्सी उठाएंगे। पाँच रस्सी उठाने के बाद में तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर लास्ट की दो रस्सी दबाकर ये जो गुंडी इसको इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से। इसको लगाने के बाद रस्सी को दूसरी साइड में खींचकर दूसरी साइड की जो गुंडी उसको भी इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम रस्सी को पास में चिपकाएंगे इस प्रकार से। अब शुरुआत से तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, पाँच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, यहाँ पे पाँच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर एक रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर यहाँ पे पाँच रस्सी दबाकर पाँच रस्सी उठाएंगे, फिर यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर एक रस्सी उठाएंगे, फिर पाँच रस्सी दबाकर तीन रस्सी सॉरी पाँच रस्सी उठाएंगे, पाँच रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाकर ये जो गुंडी है इसको इस प्रकार से वापस लगा लेंगे। अब इस कोष्टक को हम बंद कर देंगे, जो नाम लिख रहे हैं अंदर कोष्टक है इसको बंद कर देंगे, फिर दूसरी साइड की जो गुंडी है उसको भी इस प्रकार से लगाएंगे। अब हम इस रस्सी को पास में चिपकाएंगे इस प्रकार से। अब शुरुआत से तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर चार रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर यहाँ पे पाँच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर तीन रस्सी दबाकर एक रस्सी उठाएंगे, फिर यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, यहाँ पे पाँच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर पाँच रस्सी दबाकर पाँच रस्सी उठाएंगे, अब यहाँ पे पाँच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर पाँच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर तीन रस्सी दबाकर यहाँ पे तीन रस्सी दबाएंगे, तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे सॉरी पाँच रस्सी उठाएंगे, फिर आगे तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर एक रस्सी उठाएंगे, फिर ये जो गुंडी है इसको इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से। इसको लगाने के बाद टाइट कर लेंगे, फिर रस्सी को दूसरी साइड में खींचकर दूसरी साइड की जो गुंडी है उसको भी इस प्रकार से लगा लेंगे। रस्सी को पास में चिपकाकर शुरुआत से पाँच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर पाँच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर पाँच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर एक रस्सी उठाएंगे, फिर तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर पाँच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर एक रस्सी उठाएंगे, फिर तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, यहाँ पे पाँच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर एक रस्सी उठाएंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे सॉरी पाँच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, फिर तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर दो रस्सी उठाएंगे, फिर ये जो गुंडी है इसको इस प्रकार से लगा कर ये जो रस्सी है इसको दूसरी साइड में खींचकर दूसरी साइड की जो गुंडी है उसको भी इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से। इसको लगाने के बाद में इसको भी हम टाइट कर लेंगे इस तरीके से, और इसको टाइट करने के बाद में अब ये जो रस्सी है इसको पास में चिपकाएंगे इस प्रकार से। अब शुरुआत से पाँच रस्सी उठाएंगे, पाँच रस्सी उठाकर एक रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर पाँच रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर पाँच रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर पाँच रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे पाँच रस्सी उठाकर पाँच रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर पाँच रस्सी दबाएंगे, फिर एक रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर एक रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे,
फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर दो रस्सी उठाकर, सॉरी तीन रस्सी उठाकर ये जो गुंडी है इसको इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से। अब इस रस्सी को दूसरी साइड में खींचकर दूसरी साइड की जो गुंडी है वो लगा लेंगे। अब रस्सी को पास में चिपकाकर आगे की रस्सी चलाएंगे। तो अब शुरुआत में चार रस्सी उठाकर दो रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर एक रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर, सॉरी यहाँ पे पांच रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर पांच रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर तीन एक रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर पांच रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर पांच रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर एक रस्सी दबाएंगे, और फिर ये जो गुंडी है इसको इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से। रस्सी को दूसरे साइड में खींचकर दूसरी साइड की जो गुंडी है वो भी इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से। और अब ये जो रस्सी है इसको हम पास में चिपकाएंगे। तो आप देख सकते हैं डबल नाइन है वो बना दिए नीचे। अब शुरुआत में तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, पांच रस्सी उठाकर तीन पांच रस्सी दबाएंगे, फिर पांच रस्सी उठाकर एक रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर एक रस्सी दबाएंगे, फिर पांच रस्सी उठाकर पांच रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर एक रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर पांच रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर एक रस्सी दबाएंगे, फिर तीन पांच रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे पांच रस्सी उठाकर तीन रस्सी उठाकर गुंडी लगा लेंगे, और दूसरी साइड की जो गुंडी वो भी इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम रस्सी को पास में चिपकाएंगे और फिर आगे की जो रस्सी उसको चलाएंगे। अब शुरुआत में दो रस्सी उठाकर चार रस्सी दबाएंगे, छह रस्सी उठाकर पांच रस्सी दबाएंगे, तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे पांच रस्सी उठाकर एक रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर पांच रस्सी दबाएंगे, फिर पांच रस्सी उठाकर पांच रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, पांच रस्सी दबाएंगे, फिर पांच सात रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी एक रस्सी दबाकर दो रस्सी उठाकर ये जो गुंडी है इसको इस प्रकार से लगा लेंगे। अब इसको लगाने के बाद में रस्सी को दूसरी साइड में खींचकर दूसरी साइड की जो गुंडी है वो भी हम इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से। अब इस रस्सी को टाइट करके रस्सी को पास में चिपकाएंगे इस प्रकार से। डबल नाइन बना दिया, फाइव बना रहे हैं। शुरुआत में एक रस्सी उठाकर पांच रस्सी दबाएंगे, फिर सात रस्सी उठाकर पांच रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर पांच रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, एक रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर पांच रस्सी दबाएंगे, फिर पांच रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाएंगे, एक रस्सी उठाकर ये जो गुंडी है इसको इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से। इसको लगाने के बाद में ये गुंडी है इसको लगा लेंगे, और गुंडी लगाने के बाद में रस्सी को दूसरे साइड में खींचकर दूसरी साइड की जो गुंडी है वो भी इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से। इसको लगाने के बाद में रस्सी को पास में चिपकाएंगे, फिर आगे की रस्सी चलाएंगे। शुरुआत में छः रस्सी उठाकर पाँच रस्सी दबाई, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाई, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाई, यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर एक रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाई, फिर तीन रस्सी उठाकर पांच रस्सी दबाई, फिर तीन रस्सी उठाकर पांच रस्सी दबाई, फिर तीन रस्सी उठाकर पांच रस्सी दबाई, फिर पांच रस्सी उठाकर पांच रस्सी दबाई, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाई, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाई। अब यहाँ पे पांच रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाई, और ये जो गुंडी है इसको इस प्रकार से लगा लिया, और फिर रस्सी को दूसरी साइड में खींचकर दूसरी साइड की जो गुंडी है वो भी इस प्रकार से लगा ली। अब हम रस्सी को पास में चिपकाएंगे और फिर आगे की रस्सी चलाएंगे। अब शुरुआत से पांच रस्सी उठाकर चार रस्सी दबाई, फिर पांच रस्सी उठाकर पांच रस्सी दबाई, फिर तीन रस्सी उठाकर पांच रस्सी दबाई, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाई, एक रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाई, फिर तीन रस्सी उठाकर पांच रस्सी दबाई, फिर तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाई, फिर तीन रस्सी उठाकर एक रस्सी दबाई, फिर तीन रस्सी उठाकर पांच रस्सी दबाई, फिर तीन रस्सी उठाकर एक रस्सी दबाई, फिर यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबाई, यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर एक रस्सी दबाई, फिर तीन रस्सी उठाकर दो रस्सी दबाकर ये जो गुंडी है इसको इस प्रकार से लगा लिया।
इसको लगाने के बाद में इसको टाइट कर लिया, फिर रस्सी को दूसरी साइड में खींच कर दूसरी साइड की जो घुंडी है वो भी इस प्रकार से लगा ले इस तरीके से। अब रस्सी को पास में चिपका देंगे इस तरीके से। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो ना कर दिया और रा और ये म कर दिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं वो भगवान राम लिख दिया है, नीचे 99 और 5 लिख दिया। इसका आगे का जो वीडियो है वो नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे, तो उस पार्ट को भी आप जरूर देखें। धन्यवाद।